Bonk. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल वासिफ ज़ुफ़ीशा ऑफिशियल। तो लीजिए, एक बार फिर से हाजिर हैं और लाए हैं आप सबके लिए एक और नया ब्लॉग। तो हर वीडियो के हर कमेंट बॉक्स में एक ना एक कमेंट यही आ रहा है कि अपना हाउस टूर करवाइए, अपना हाउस दिखाइए, आपका हाउस कैसा है। और जब हमने इंस्टाग्राम पे ब्लॉग के लिए सजेशन के लिए क्वेश्चन डाला था कि अगला ब्लॉग क्या होना चाहिए, तब भी काफी सारे कमेंट्स यही आए थे कि अपना हाउस टूर बनाइए। आज हम आपको अपना ऊपर वाला फ्लोर दिखाएंगे, ड्राइंग रूम, बेडरूम क्या क्या है, कैसे हमने डेकोरेट किया हुआ है, क्योंकि बहुत बहुत लोगों ने कमेंट करके बोला था, तो सोचा फाइनली आज हम ये व्लॉग बना ही लें। और आप सबको हाउस टूर कराने से पहले थोड़ी सी क्लीनिंग डस्टिंग कर ली जाए, फिर बढ़िया बढ़िया शॉट्स आपको दिखाएंगे, सारा एरिया दिखाएंगे, रूम टूर, हाउस टूर सब कराएंगे। तो चलिए इस व्लॉग को शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, कैसे हो आप? आज मैं अपने ऊपर वाले फ्लोर पे आई हूं। बाय। तो व्लॉग शुरू करने से पहले थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए, क्योंकि इस टाइम वक्त हो रहा है, शाम के 5 बज रहे हैं और हमने मंगाए हैं बाहर से गर्मा गर्म समोसे। तो चलिए पहले समोसे खाते हैं और उसके बाद आपको अपने फ्लोर का टूर करवाएंगे। हाँ जी मैडम, थोड़ा सा कम समोसे को समोसा समझें। आपने समोसा खाने की आदत डलवा दी मुझे, मुझे तो पसंद भी नहीं था समोसा, अब बहुत पसंद है। कितना, कौन से नंबर पे हो? तीसरा, चौथा? पहला है। पहला है, झूठ। आप नहीं खा रहे? मेरा दिल नहीं चाह रहा, माँ का दिल नहीं चाह रहा। कितने समोसे पहले? अब आपने कितने समोसे पहले? 4, 5, 10। सेहत के लिए हानिकारक है। रोज थोड़ी पीते हैं। तले हुए के ऊपर कोल्ड ड्रिंक, चाय पीनी चाहिए चाय। ये एपिटाइजर का काम करेगी ना, अब ढका रहे आएंगी बड़ी बड़ी, कोल्ड ड्रिंक इसलिए पी रहे हैं। ये का वाला था? ये का? चीचे में देख लेती। चीचे में देख लेती। तो दोस्तों गौर से देखिए, ये वही बर्थडे बैनर है जो इस लड़की ने हमारे बर्थडे पे लगाया था, और चुपके चुपके कोल्ड ड्रिंक पी रही है ये लड़की। मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती हूँ। हाँ। Moments later. Oof. तो घर की सफाई, डस्टिंग, क्लीनिंग तो हो गई है, और ये मेरा चेहरा देखिए लाल हो रहा है। 1.5 घंटा लग गया है डस्टिंग करने में। घर की डस्टिंग क्लीनिंग हो गई है, अब थोड़ी सी अपने फेस की डस्टिंग क्लीनिंग भी कर ली जाए। ये आप देखते हैं ना मेरा फेस, कई पिछले व्लॉग्स में आपने देखा होगा, जब भी कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मैं कुछ काम कर रही होती हूँ, तो मेरा फेस एकदम रेड हो जाता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके लिए मैं कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ जिससे कि मेरी स्किन एकदम
बढ़िया दिखेगी। तो मैं यूज करती हूँ वाव स्किन साइंस इंडिया के प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट आपको इनकी अपनी ऐप पर इजीली मिल जाएंगे। ये ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल है, तो वहाँ से जाकर बहुत ही इजीली आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ वाव स्किन साइंस का एंटी एक्ने फेस वॉश। तो इस फेस वॉश में टी ट्री एसेंशियल ऑयल है, नीम लीफ है, मलबरी है और लिक्वराइज एक्सट्रैक्ट है, जो आपकी स्किन को सूथेस, रेडनेस एंड इचिंग से दूर करेगा और आपकी स्किन को रिफ्रेश कर देगा। और इसमें कोई हार्मफुल केमिकल, पैराबेंस और मिनरल ऑयल्स भी नहीं है। तो फेस वॉश करने के बाद अब मैं यूज कर रही हूँ वाव स्किन साइंस का लेवेंडर एंड रोज स्किन मिंट टोनर। इसको यूज करने का तरीका है, यूज करने से पहले अच्छे से शेक करेंगे, फेस से थोड़ा सा दूर रख के अब हम इसे स्प्रे करेंगे। This lavender and rose skin mint toner is ideal for CTM routine. The best skin toner to complete your cleansing, toning, moisturizing. इसमें कोई भी alcohol, parabens और mineral oils भी नहीं है और it suits all skin type. तो जैसे ही आप ये टोनर लगाएंगे आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा रिफ्रेश और फ्रेश फील होगा। इसे हमें ना ही किसी चीज से पोछे नहीं, बस हवा में थोड़ी देर अपने आप ही ये खुशक हो जाएगा हमारे फेस पे। इसके बाद मैं यूज करूंगी वाव स्किन साइंस का ऑयल फ्री ब्लेमिश केयर सीरम। इट हेल्प्स टू स्मूदन स्कार एंड पिट्स एंड रीस्टोर स्किन्स नेचुरल सपलनेस, स्पेशली फॉर एंटी एक्ने, पोर मिनिमाइजिंग एंड स्पॉट रिड्यूसिंग। तो लग रही है ना मेरी स्किन कितनी शाइनी। अब लास्ट प्रोडक्ट मैं यूज करूंगी वाव स्किन साइंस का यूवी वाटर ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन स्प्रे। इसको भी शेक करेंगे एंड स्प्रे करेंगे। इट कीप्स योर स्किन हाइड्रेटेड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम सन्स हार्श रेज। इट्स नॉन ऑयली, नॉन स्टिकी एंड नॉन पैची फॉर्मुलेशन, स्प्रेड इंस्टेंटली एंड इवेंटली टू क्रिएट अ ट्रांसपेरेंट फिल्म दैट शेल योर स्किन फ्रॉम सन डैमेज एंड पॉल्यूशन। तो लग रही है ना मेरी स्किन कितनी ज्यादा रिफ्रेशिंग और ग्लोइंग। तो ये वाव के प्रोडक्ट्स मैं हमेशा यूज करती हूँ और आपको भी रिकमेंड करती हूँ, आप भी इन प्रोडक्ट्स को एक बार जरूर यूज करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, तो वहां से जाके भी आप परचेस कर सकते हैं या Amazon और Flipkart पर भी ये प्रोडक्ट सारे अवेलेबल हैं, उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है ना, तो इनके प्रोडक्ट में मिलेगा आपको एक QR कोड, जिसको स्कैन करके आपको इनकी ऑथेंटिसिटी का पता चलेगा कि कितने ज्यादा नेचुरल और प्योर ये प्रोडक्ट्स हैं, और आपको अगली परचेज पर डिस्काउंट भी मिलेगा। और सबसे अच्छी बात इन प्रोडक्ट्स की मुझे ये लगती है कि ये इंडियन ब्रांड्स हैं और ऑल स्किन टाइप को सूट करते हैं। तो आप भी जाके परचेज कीजिए, इंडियन ब्रांड को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना घर। तो सबसे पहले जैसे ही हम एंटर करते हैं, यहाँ पर है हमारा लिविंग एरिया, सोफा है, कॉर्नर पे कुछ सामान हमने डेकोरेशन का लगाया हुआ है और उधर भी कुछ सामान डेकोरेशन का लगाया हुआ है, और यहाँ पे हमारा ब्यूटीफुल लैम्प, और यहाँ पर है हमने एक छोटा सा दीवान डाल रखा है और जिस पर हमने कुशन्स ऐसे डेकोरेट किए हुए हैं, जब कभी ज़्यादा मेहमान आ जाएं तो यहाँ एडजस्ट ना हो तो यहाँ भी एडजस्ट हो जाएं। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने टीवी एरिया की तरफ। तो ये है हमारा टीवी एरिया, सेंटर में टीवी है और साइड में म्यूज़िक सिस्टम है और कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमने डेकोरेट की हुई हैं। यहाँ पे जो ये तांबे का सामान रखा हुआ है, ये सब मेरी शादी का सामान है, तो हमने ये यहाँ लगा दिया है। और सब प्यारे प्यारे गिफ्ट्स हैं, ये सब अलग अलग जगहों के हैं, जहाँ भी हम जाते हैं वहीं से कुछ ना कुछ ले आते हैं अपने घर के लिए। और ये देखिए, ये पिंक वाला हैंड मेरा है, ब्लू वाला मेरे हस्बैंड का है। ये हम मेरे बर्थडे पे 2 साल पहले मैडम टुसार्ड गए थे, वहाँ पर बनवाया था। ये वैक्स का हैंड है। और ये हम गए थे फर्स्ट टाइम जब मनाली गए थे शादी के बाद, तो ये हम वहाँ से बनवा कर लाए थे, वासिफ एंड जुफीशा स्वीट होम। और साइड में रखा है हमारा बड़ा सा वाज, इसके फ्लावर्स थोड़े ख़राब हो रहे हैं, अभी मैं जाऊँगी मार्केट तो चेंज करूँगी, ये मेरा फेवरेट है गमला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं दिखाती हूँ आगे आपको किचन। यहाँ पर है हमारा रेफ्रिजरेटर, इस पर भी हमने प्यारी प्यारी डेकोरेशन की हुई है। ये फोटोग्राफ्स मैंने अपने हस्बैंड के बर्थडे पर निकलवाए थे और उसकी डेकोरेशन करवाई थी, तो अब ये हमने यहाँ पर लगा दिए हैं फ्रिज मैग्नेट्स के साथ। तो ये है हमारा प्यारा किचन, जूफिस कुकिंग का किचन। जो शुरुआत के जूफिस कुकिंग की वीडियोस आपने देखी होंगी, वो हमने इसी किचन में शूट की हैं।
बाथरूम, किचन के सामने वाले एरिया में इधर एक अलमीरा रखी हुई है, ये हमारे शादी से पहले की अलमीरा है, और इधर वॉशिंग मशीन वगैरह रखी हुई है। अब चलते हैं अपने बेडरूम की तरफ। तो ये है हमारा बेडरूम और ये है हमारा नन्ना। क्या कर ले हो? बेडरूम तो आपने हस्बैंड बर्थडे वाले व्लॉग में देखा ही होगा। तो यहाँ बेडरूम में ज़्यादा कुछ हमने भर नहीं रखा। ये एक अलमीरा है हमारे कपड़ों के लिए और ये एक छोटी अलमीरा है माहिरा के कपड़ों के लिए, जिसके ऊपर हम कुछ चादरें वगैरह रखते हैं। और बस बेड है और एक बीन बैग है और कुछ भी नहीं है। और अलमीरा के अंदर क्या क्या है ये हम अगले किसी व्लॉग में दिखाएंगे, क्या क्या हमारे कपड़े हैं, माहिरा के कपड़े हैं, सब कुछ।